जय हिंद। पिछले बार हम लोग पढ़े थे मध्यकालीन भारत के हैदराबाद के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज पढ़ते हैं कर्नाटका के बारे में। जिस तरह से दक्कन मुगल, जो साउथ इंडिया का जो मुगल था, जहाँ पे क्षेत्राधिकार था मुगलों का दक्कन में, तो दक्कन में ही था क्या हैदराबाद, और वहीं पे था कर्नाटका। तो हैदराबाद के अंतर्गत कौन था? कर्नाटका था। तो जिस तरह हैदराबाद दक्कन मुगलों से अलग हुआ था, उसी तरह कर्नाटका भी हैदराबाद से अलग हो गया, यानी मुगलों से अलग हो गया था। तो हैदराबाद जैसा जैसे ही अलग हुआ था, वैसे ही कर्नाटका स्वतंत्र हुआ मुगलों से। और यहाँ का जो नायब सूबेदार जो बनाया गया था कर्नाटका का, वो भी वहाँ के लोग क्या कहा करते थे उसको? उसको कर्नाटका का नवाब कहा करते थे। क्या करते थे? कर्नाटका का नवाब कहा करते थे। शहादत उल्ला खां, जो वहाँ का कर्नाटका का जो नवाब बना था, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अर्काट में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? अर्काट अपनी राजधानी बनाया था। और सादात उल्ला खां की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? वहाँ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो गया। यानी को हम राजा बनेंगे, हम नवाब बनेंगे, हम नवाब बनेंगे, इस तरह से वहाँ की उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। तो इस संघर्ष में का फ़ायदा उठाकर फ्रांसीसी और जो ये ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया इसमें, इसकी राजनीति हस्तक्षेप करने लगा। कोई उस तरफ हो गए और कोई इस तरफ हो गए, और दोनों ने मिलकर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप किया, जिसके कारण वहाँ पे किसी एक को बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका का नवाब जो बना मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली नवाब बना, उसने अपने राज किया। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, वो क्या हुआ कि उस पर जो समय लॉर्ड वेलजली था गवर्नर, तो लॉर्ड वेलजली ने क्या किया, उस पर क्या किया, संयंत्र लगाया कि भैया ये सब संयंत्र रच रहे हैं, संयंत्र पत्राचार कर रहे हैं। इसके वो आरोप लगाकर क्या कर लिया, कर्नाटका पर अधिकार कर लिया। तो कर्नाटका ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। उसने वो शुरू से ही क्या रहा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें होने लगा। और होने के बाद उसे क्या हो गया कि धीरे धीरे उस चीज़ को अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर लिया। और उसके बाद अंग्रेज़ में लास्ट में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसको अपने अंदर शामिल कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। तो बंगाल जो मुगल से स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ, 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब द्वारा क्या गया, बंगाल का दीवान बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का दीवान बना दिया गया। और उसके बाद 1717 में फर्खुसियर के द्वारा बंगाल का क्या बना दिया गया, उसको सूबेदार बना दिया गया। तो यहाँ से उसकी तरक्की होती दिख रही है। पहले दीवान बना दिया गया, औरंगजेब ने इसको दीवान बनाया 1700 में, और 1717 में फर्खुसियर ने क्या बना दिया उसको, उसको वहाँ बंगाल का सूबेदार बना दिया। उसके बाद क्या देखा कि जब देखा कि मुगल साम्राज्य में कमजोरी स्थिति में पहुंच गया था, तो उसका फ़ायदा उठाकर इसने बंगाल की स्थापना कर दी। तो बंगाल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को जाता है। किसको जाता है? मुर्शिद कुली खां को बंगाल के स्थापना का श्रेय जाता है। मुर्शिद कुली खां ने शासन यहाँ पे किया 1717 से 1727 को। ये जब जिसको बनाया गया था बंगाल का सूबेदार, उसके कुछ ही दिन बाद ये क्या कर लिया था, उसको स्वतंत्र करवा लिया था बंगाल को मुगल से, और इसका स्थापना किया। और इसने यहाँ पे 1717 से लेकर 1727 तक क्या किया, यहाँ पे अपना ये शासन किया। और शासन करने के दौरान इसने दौरान यहाँ पे इसके साथ तीन विद्रोह हुए। इसके शासन काल में मात्र तीन ही विद्रोह हुए। पहला विद्रोह जो हुआ सीता राम राय के साथ, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये तीनों ने मिलके एक विद्रोह किया था। उसके बाद एक विद्रोह हुआ सुजात खां के साथ, और एक हुआ नजात खां के साथ। ये तीन विद्रोह इसके मुर्शिद कुली खां के शासन काल में हुआ है। मुर्शिद कुली खां का शासन काल क्या था? 1717 से 1727 तक। उसके बाद इसने कृषि पे विकास किया, कृषि पे विकास किया। जो जो बड़ी बड़ी भूमियाँ थी, जो बड़ी भूमियाँ थी जो इसके अधीन थी, जो सरकार के अधीन थी, उसको बड़े भूमियों को खालसा भूमि कहा गया। खालसा भूमि में उसको परिवर्तित कर गया। जो भूमियों के बड़े बड़े टुकड़े थे, उसको खालसा भूमि में क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। क्या, कौन से में? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद इसने इजेदारी व्यवस्था शुरू की, इजारा पर देने, पट्टा पर, जो खेत को पट्टा पर इजारा पर देते हैं, तो
इजारादारी व्यवस्था इसने शुरू की। इजारादारी व्यवस्था से ही इसने क्या किया, राजस्व वसूलना शुरू किया, राजस्व को वसूलना शुरू किया। और जो गरीब किसान थे, नहीं दे पा रहे थे राजस्व, और चाहे किसान जो गरीब छोटे छोटे किसान थे, उसके तरक्की के लिए उसने एक ऋण निकाला जिसका नाम दिया क्या, तकावी ऋण। क्या दिया? तकावी ऋण। तो इसने किसानों के लिए, किसान के लिए तीन काम किया कृषि के विकास में, एगो खालसा भूमि के किया, इजेदारी व्यवस्था की, और तकावी ऋण का व्यवस्था इसने किया। उसके बाद 1727 में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1727 में क्या हो जाता है, 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और उसका दामाद 1727 में, उसका दामाद जो शुजाउद्दीन था, वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और ये अपना शासनकाल 1727 से 1739 तक अपना ये शासनकाल चलाता है। उसके बाद उसका बेटा, शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां, वो बंगाल का नवाब बनता है, और वो ज़्यादा नहीं एक ही साल वहाँ पे शासन करता है, 1739 से 40 ये शासन करता है। और 40 में क्या होता है कि बिहार का एक नया सूबेदार था, कौन था, अली वर्दी खां क्या करता है, उस पर हमला कर देता है। और वहाँ पे एक, जहाँ पे लड़ाई होती है, जब वो गिरिया एक जगह था, वहाँ बंगाल में गिरिया एक जगह है, वहीं पे हम युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या होता है, सरफराज का हार जाता है, और अली वर्दी खां क्या बन जाता है, अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है। अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है, बनने ये बंगाल में अपना शासन कब से कब तक करता है, तो ये अपना 1740 से 1756 तक बंगाल का ये नवाब बना रहता है। इसके बीच में 1751 में क्या होता है कि 1751 में उस समय मराठों का जो वर्चस्व था, पावर था, बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो उसे बचने के लिए क्या कर लेता है, उड़ीसा का कुछ भाग वो दे देता है, उड़ीसा का कुछ भाग उसको दे देता है, और उसे वार्षिक चौथ देकर एक संधि कर लेता है कि भैया आप मुझ पे हमला नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अली वर्दी खां क्या करता है, अंग्रेजों को कोलकाता दे देता है, बाद वहाँ पे किला बंदी करने के लिए, और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर दे देता है कि जाके अपना जो किला बंदी कर लें। अंग्रेजों को कहाँ देता है, कलकत्ता देता है, और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर देता है किला बंदी करने के लिए। ये फैसला देकर उसे हटा देता है कि चलो दुविधा जो टल गया, मगर क्या होता है कि वो फैसला आगे जाके वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो लोग पावर में आ जाते हैं, अंग्रेज पूरे पावर में हो जाते हैं, तो फिर इनको धमकियाँ देना शुरू करते हैं कुछ मनवाने के लिए। तो इसलिए इस पर क्या कहता है अली वर्दी खां, क्या कहता है कि अली वर्दी का स्टेटमेंट है अंग्रेज़ों के लिए, उसको एक मधुमक्खियों का उपमा देता है। क्या देता है? मधुमक्खियों का उपमा देता है, मधुमक्खियों का उपमा देता है, और कहता है कि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये शहद देगी, अगर इसे छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार डालेगी। ये किसका कहना था? तो ये अली वर्दी खां का कहना होता है कि मधुमक्खियों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये क्या देगी, मध देगी, और अगर इसको छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेगी। 1756 में क्या होता है कि 1756 में हो जाता है कि 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो नाती रहता है, इसका नाती जो रहता है सूरजदौला, कौन रहता है, सूरजदौला को क्या बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। बंगाल का क्या बना दिया जाता है, नवाब बनाया जाता है इसको, सूरजदौला को 1756 में। 1756 में क्या होता है कि सूरजदौला को नवाब बना दिया जाता है। सूरजदौला कौन था, अली वर्दी खां का नाती था। और सूरजदौला खां के दो को विरोधी होती है, एक तो होता है घसीटी बेगम, कौन होती है, घसीटी बेगम, और एक पूर्णिया का जो रहता है नवाब, पूर्णिया का जो नवाब रहता है वो भी इसका विरोधी रहता है। मगर सबसे बड़ा दुश्मन इसका कौन रहता है, मीर जाफर, जो इसी के सेनापति में रहता है। ये उसको पता नहीं चलता है, बाद में जाके जब युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, उसमें ये क्या कर देता है, धोखा दे देता है, तो वो युद्ध हार जाता है। उसी के बाद तो भारत में क्या होता है, अंग्रेज़ों का एक धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ने लगता है। तो क्या घसीटी बेगम, इसकी विरोधी थी, और एक
क्या कौन था इसका सेना ही पति था, सेनापति था कौन, मीर जाफर, इसका सेनापति ही रहता है कौन, मीर जाफर। और इसके समय में क्या होता है, ये अंग्रेजों पर काफ़ी गुस्सेल रहता, गुस्सा रहता, तो इसने क्या करता है, एक ब्लैक हॉल की घटना घटती है। उसमें क्या होता है कि 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है अंग्रेजों को, जिसमें से 23 लोग ही जिंदा बचते हैं, जिसमें एक बचता है हॉलवेल। हॉलवेल के अनुसार हॉलवेल ने कहा था कि इतने लोगों को डाल दिया गया था और इतने लोग ही बचे, उसमें एक हॉलवेल भी था। जब ये होता है तो अंग्रेजों में काफ़ी क्रोध आक्रोश आ जाता है और एक युद्ध होता है जो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है, प्लास ये जो घटना घटती है ब्लैक हॉल की घटना, ब्लैक हॉल की घटना घटती है, ब्लैक हॉल की घटना घटती है, ये घटती है आपको 20 जून 1756, कब 1756 में ये घटना घटती है। और उसके बाद प्लासी का युद्ध कब होता है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि मीर जाफर इसको धोखा दे देता है और ये युद्ध हार जाता है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का अब काबिज हो जाता है बंगाल पे, वो अपना कब्जा जमा लेता है, मगर वो खुद उस पर शासन नहीं करता है, उस पर एक कठपुतली बैठा देता है किसको, मीर जाफर को। क्या मीर जाफर अंग्रेज़ों से मिल चुका था, तो मीर जाफर को वहाँ पे बिठा दिया जाता है। तो मीर जाफर को बिठाया जाता है, मीर जाफर को बनाया जाता है नवाब वहाँ का, तो कब 1757 से लेकर 60 तक बनाया जाता है। और उसके बाद 1760 के बाद, उसके बाद किसको बनाया जाता है, उसके बाद 1760 के बाद से किसको बनाया जाता है, तो मीर कासिम को बनाया जाता है। तो मीर कासिम को बनाया जाता है 1760 से लेकर 1763 तक। और 1763 में जब इसको बनाता है तो ये क्या करता है, मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम क्या करता है, मुर्शिदाबाद से जो राजधानी है उसको मुंगेर ले आता है। कहाँ ले आता है, मुंगेर ले आता है, और मुंगेर में ही वहाँ पे फैक्ट्री बनाता है और अपनी सेना को अंग्रेजों की तरह वो अपना गठन करता है। और यहाँ पे राजधानी बनाकर यहाँ पे गोला बारूद बम बनाने का कारखाना लगाता है, कहाँ, मुंगेर में लगाता है। उसके बाद जब अंग्रेजों को ये भनक लगती है तो अंग्रेज उस पे कमान कसता है, तो यहाँ से मुंगेर छोड़ के वो चला जाता है कहाँ, अवध। मीर कासिम क्या होता है, फिर मीर कासिम क्या भाग जाता है, अवध भाग जाता है। तो मीर कासिम अवध भाग जाता है, पहले तो बनाया गया था मीर जाफर को 1757 से 60, और मीर कासिम को बनाया जाता है 1760 से 63। इसी के बीच में ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बना लेता है और यहाँ पे ही जो बम बारूद की फैक्ट्री लगाता है और अपने सेना को अंग्रेजों की तरह गठन करता है। जब वो भाग जाता है तो उसको फिर से मीर जाफर को दोबारा फिर से बंगाल का क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। तो जब ये बना दिया जाता है और मीर कासिम भाग गया अवध, तो जब मीर कासिम अवध भाग जाता है तो वहाँ पे जो अवध के नवाब रहते हैं कौन, शुजाउद्दौला रहते हैं। और उस समय मुगल साम्राज्य था, उसके राजा जो थे वो बादशाह जो थे शाहआलम द्वितीय, वो भी कहाँ रहते थे, अवध में ही रहते थे। तो क्या होता है कि उसके बाद वहाँ पे एक युद्ध होता है जिसको नाम दिया गया है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध दिया गया है। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है आपको 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाहआलम द्वितीय, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुंडो। कौन करता है, हेक्टर मुंडो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है। और उस युद्ध में क्या होता है कि उस युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाहआलम द्वितीय दोनों क्या हो जाते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो हार जाते हैं तो एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। वहाँ पे दो संधि होती है, एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को किसके साथ संधि होती है, शाहआलम द्वितीय के साथ ही संधि होती है, जिससे उसको उड़ीसा, बंगाल और बिहार का क्या दिया जाता है, दीवान दे दिया जाता है अंग्रेजों को।
उसके बाद दूसरा हो जाता है, दूसरा संधि होता है 4 दिन बाद ही, 16 अगस्त 1765 को। कब? 16 अगस्त 1765 को ही क्या हो जाता है, दूसरा संधि हो जाता है, जिसमें क्या कर लेता है, सालम द्वितीय को अंग्रेज के अधीन यानी संरक्षण दे दिया जाता है, पेंशन पे उसे रख लिया जाता है। उसके बाद, और उसके बाद इसमें यहाँ पे उसके बाद भी बनाया जाता है, जब लास्ट ये सेकेंड नंबर पे बनाया जाता है सेकेंड बार इसको 1763 से, सब मेरे इसको 1763 से 66 तक जब इसको बनाया जाता है, उसके बाद सॉरी 1763 से लेकर 1765 तक ही इसको दोबारा बनाया जाता है। और फिर बनाया जाता है निजामुद्दौला को 1765 से 66, इसको 1 साल ही बनाया जाता है। और सबसे अंतिम जो बंगाल का जो नवाब बनता है वो बनता है सैफ उद दौला। कौन बनता है? सैफ उद दौला 1766 से 1770 तक, इतना तक ही बना रहता है। उसके बाद अंग्रेज पूरी तरह बंगाल को अपने अधीन कर लेता है। तो सबसे अगर पूछेगा कि बंगाल में बंगाल का सबसे लास्ट नवाब कौन था, तो यही था, सैफ उद दौला था, जो 1766 से 70 तक रहा। और इसमें प्रकाश डालने वाली बात है मीर कासिम पर। मीर कासिम है क्या करता है, मीर कासिम उसे अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है, राजधानी चेंज कर लेता है और उससे बक्सर का युद्ध लड़ता है। कब लड़ता है? तो 20 अक्टूबर 1764 को युद्ध लड़ता है और उसमें उसकी हार हो जाती है। किसका सहयोग लेता है? अवध के नवाब का सहयोग लेता है, शुजाउद्दौला का। और मुगल सम्राट जो रहते हैं उसका लेता है, सालम द्वितीय का लेता है। और तभी तीनों मिलकर लड़ते हैं, तभी ये हार जाते हैं। और वहाँ पे जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां के जो नाती था शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला क्या होता है, किससे युद्ध लड़ता है? तो रॉबर्ट क्लाइव से लड़ता है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, इसको हरा देता है। और इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजों का गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंग्रेजों का गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है। अंग्रेजों का गीदड़ किसे कहा जाता है? अंग्रेजों का गीदड़ गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है। तो ये था पूरे बंगाल के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट करें, ठीक है, और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।